हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर पैचवर्क का एक नया पैटर्न लेकर आई हूँ। और उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 5x5 के दो दो पीस, दो प्लेन हैं, दो प्रिंटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने तो एक जैसा प्रिंट लिया है, आप कई तरह के प्रिंट यहाँ पर ले सकते हैं। और इन्हीं चार पीस से एक पैटर्न हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेन लेंगे और एक प्रिंटेड लेंगे। तो प्रिंटेड सीधा रहेगा, उसके ऊपर हम प्लेन कपड़ा रखेंगे और उसको बीच में एक लाइन खींच देंगे अपोजिट साइड के कोने से। अब ये जो हमने लाइन खींची है, इसके किनारे किनारे हमें मशीन चलानी होगी। बीच की लाइन छोड़ करके एकदम किनारे किनारे इस तरह से मशीन चलानी है। इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद जो बीच में लाइन खींची थी, वहां से इसको हम कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद ये दो चार पीस हमारे पास हो गए, जिसको हम वापस ट्रायंगुलर शेप में मोड़ेंगे इस तरह से, और इसको भी यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया, इसको भी कट कर देंगे। अभी सारे पीस हमारे कट हो गए हैं, अब इनको हम खोलेंगे। ये हमने इस तरह से खोला, तो इसको हमने कुछ इस तरह से कट किया था जब ये फोल्ड था। दूसरा पीस खोलेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा कि जब हमने कट किया था तो रेड एक साथ था। अब हमें यहाँ पर इसको चेंज करना है, इसको हटा देंगे। जो दूसरा पीस कट किया है तो वहाँ से इसको उठा करके इसमें लगा देंगे और इसको उठा करके इसमें लगा देंगे। तो अब इसको हम पहले इस तरह से जोड़ देंगे। तो रेड के साथ वाइट आना है, इधर वाइट के साथ रेड आना है, और बीच में से इसको जो सिलाई है वहाँ से बराबर से इसको मिलाएंगे और तब जोड़ेंगे। और जोड़ते समय शुरू में और लास्ट में और जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर डबल मशीन। ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी रेडी करेंगे। ये दो पीस हमारे रेडी हो गए। इसी तरह से जो दूसरा कट किया है इसको भी सिलम मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों एक साथ कट किया था, तो ये हमारा जब ये इस तरह से था, इसको हमने बीच में से कट किया, तो ये हमारे पास दो पीस आ गए। तो ये दोनों रेड एक साथ आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दूसरा हमने जोड़ा था, जो कट किया था, उस पीस को लेंगे, इसको खोलेंगे इस तरह से। जब इसको खोलेंगे तो इसका वाइट इधर आ जाएगा, तो इसको इस तरह के साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। इस तरह से हमें दो पीस चाहिए होंगे। तो अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। अब इस तरह से ये हमारे चार पीस रेडी हो गए। अब हमें इनको जोड़ना कैसे है, ये वाइट है तो इसको हम रेड के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया, और इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करते चलेंगे और इसकी सफाई करते चलेंगे। अब यहाँ पर वाइट है तो ये जो रेड आया है इसको हम यहाँ पर उलट कर सिल देंगे। अब रेड के साथ वाइट सिल देंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी होती चली जाएगी पट्टी। तो मैंने यहाँ पर और भी बना के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर 7 पीस जोड़ूंगी, तो यहाँ पर 4 जुड़ गए हैं, 3 और जोड़ दूंगी। ये हमारी
सेवन पीस जुड़ गए हैं। और यहाँ पर मैंने एक पहले से बना के रखा है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। तो एक तरफ इसमें एट पीस जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर सेवन पीस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं सेवन पीस वाले एरिया पर इसको जोड़ दूंगी। तो इसी तरह से आपको जो भी चीज़ बनानी है इसी तरह से जोड़ते चले जाना है। और ये इस तरह से हमारी एक शीट रेडी हुई। तो इसको इसी तरह से जोड़ना है, जितना भी आपको पीस चाहिए उस हिसाब से पहले एक रफ पेपर पे उसका डिज़ाइन कर लें कि कितने इंच का पीस काटेंगे तो कितनी बड़ी चादर हमारी रेडी होगी, और या बच्चे की रजाई तैयार हो सकती है, या बच्चे की गद्दी तैयार हो सकती है, या पर्दा तैयार हो सकता है, या सोफ़ा कवर तैयार हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस पैचवर्क से रेडी की जा सकती हैं। तो इसमें ये इसके नीचे अगर आप रजाई बनाना चाहते हैं तो अंदर इसको उल्टा रखिए, इसके ऊपर पहले रुई रखिए या फॉर्म रखिए या फाइबर रखिए, उसके बाद कपड़ा रखिए, और जो क्विल्टिंग है जो सिलाई गई है यहाँ से बस इसके ऊपर चलानी है। पहले सीधा सीधा कर लीजिए, फिर इसके बाद क्रॉस में इसकी क्विल्टिंग कर लीजिए, या जिगजैग से या डिज़ाइनर जो भी आप चलाना चाहें इसके बाद इसको क्विल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आइए आज का हमारा पैचवर्क कंप्लीट हुआ। और मेरे तीन चैनल हैं, एक नंदिनी क्राफ्ट जिस पर आप ये पैचवर्क देख रहे हैं, एक है स्वदेश नंदिनी जिस पर मैं बैग्स वगैरह बताती आती हूँ, शुरू से ही वो मेरा चैनल चल रहा है, और तीसरा है नंदिनी आप कुछ बनाते हैं तो उसमें मैं केवल क्राफ्ट बताती हूँ। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।